नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि छतरपुर में सुबह से झमझम बारिश हुई और इसके बाद धूप निकली, इसको लेकर किसानों के चेहरों पर मुस्कान भी दिखी। लेकिन यदि यह बारिश ज्यादा हो जाती तो किसानों को भी काफी भगवान का कहर झेलना पड़ता। सुबह से ठंड और शाम को और दोपहर में धूप निकलने से लोगों को राहत ही मिल रही है, तो सुबह से ठंडी का भी आनंद लोगों को लेना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं किसान और लोग, आइए देख लेते हैं पुलिस खबर के माध्यम से। छतरपुर में इतना खुशनुमा मौसम था सुबेरे के, लग रहा था कि अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो किसानों की फसल चौपट हो जाएगी। लेकिन ये जो बारिश हुई है इसको अपन अमृत के नाम से जानते हैं। ये किसान के लिए अमृत है ये वाली बारिश जो आज हुई है। और इसी तरीके की अगर छोटी छोटी फुहारें अगर हो गई तो किसान के चेहरे देखिएगा आप कैसे खिल जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मसाइये। जानते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है चंदला थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुरा गांव की। यहां पर एक महिला ने किसी कारणवश कीटनाशक पदार्थ खा लिया, जिस वजह से महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार के लोगों ने, ससुराल पक्ष वालों का यह कहना है कि वह दिमाग से कमजोर थी और जिस वजह से इस नए महिला ने जहर खा लिया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरा मामला पता लगाने के बाद ही कारण स्पष्ट होगा। मृतक का नाम देवबती यादव है, जो कि सूरजपुरा थाना क्षेत्र चंदला की रहने वाली है, जिसने कीटनाशक पदार्थ खाने की वजह से महिला की मौत हो गई। और मौत के बाद उसे छतरपुर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उस महिला का पंचनामा तैयार करके पीएम किया जा रहा है। आपका नाम? जय। कहाँ के हो? सूरत। कौन सा थाना लगता है? चंदला। मृतक आपके कौन है? बहू। क्या हो गया उन्हें, किस वजह से वो हो गई? दिमाग की कमजोर। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई नहीं। किस वजह से कोई लिखाई हुई है उन्होंने? अब दिमाग है कमजोर है तो खा लियो। का नमस्कार दर्शकों, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्राइए। नारद आज की इस खास खबर पर। यह खबर है ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत पठापुर गांव की। यहां पर एक युवक ने लूडो गेम, जो कि अभी आजकल मोबाइलों में ज्यादा चल रहा है, जिसमें लोग सट्टा भी खेल रहे हैं और जुआ भी खेल रहे हैं, ये बच्चों में काफी लत है, जिसको लेकर दो पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। पहले गेम खेला गया और गेम हारने के बाद जब पैसे नहीं दिए गए तो युवक के साथ मारपीट कर दी। घायल अवस्था में परिवार के लोगों ने तत्काल ही 108 को कॉल किया। 100 डायल को कॉल करने के बाद उसे छतरपुर के जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा वार्ड में उसका उपचार चल रहा है। सूरज कुरी, जो कि पठापुर रोड ओरछा थाना का निवासी है, जिसके साथ धीरज कुशवाहा ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी। हालांकि वीडियो गेम और लूडो का ये खेल कर रहे थे, तभी पैसों के लेन देन का लेकर विवाद हो गया और इस युवक के साथ लाठी डंडों से हमला बोल दिया। आपका नाम? सूरज तोड़ी। कहाँ के हो? पठापुर। कौन सा थाना लगता है? ओरछा थाना। किसने मारपीट की है आपके साथ? ने। किस वजह से? कितने लोग थे वो लोग? दो जने। क्या नाम है उनका? एक का नाम लीजर, एक का मालूम नहीं। किस वजह से मारपीट की है उन लोगों ने आपके साथ? पैसों के ऊपर के लिए। बस किस बात के आपने पैसे लिए हुए थे आपने? वीडियो गेम के। अच्छा, वीडियो गेम खेल रहे थे आप? हाँ। मोबाइल में का टीवी में? टीवी में। हमारे पैसे हमने कहीं हम एक दो दिन में दे रहे थे आप। हाँ। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला पंचायत सभागार में गुरुवार को नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती अनुरागी का सभी सदस्यों के समक्ष स्वागत किया गया। इस मौके पर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी और बिजावर विधायक राजेश शुक्ला बबलू भी मौजूद रहे। यहां पर कलावती अनुरागी ने कहा कि वे सभी लोगों के साथ मिलकर जिले के विकास के लिए काम करेंगी। विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि हर महीने बैठक ली जाएगी और हर महीने बैठक में विकास का एजेंडा तैयार किया जाएगा। सबके आभारी हूँ, सबके साथ रहूँगी और पूरे ज़िले में सबके साथ काम करूँगी और गरीबन को भी मदद करूँगी। जिला पंचायत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष कलावती अनुरागी जी ने आज अपना जिम्मेदारी संभाली और सभागार में उनका स्वागत सम्मान हुआ। साथ ही यह तय हुआ है कि अभी तक जो जिला पंचायत की बैठकें नहीं होती थी
हर माह निर्धारित जो समय है हर माह बैठक होने का वो शुरू हो जाएगा इसी माह से। पहली बैठक 15 तारीख की तय की गई है कि 15 फरवरी को जिला पंचायत की पहली बैठक होगी, साथ ही साथ सभी समितियों की बैठक होगी और अब हर माह निरंतर बैठकें होंगी, जिससे कि जो काम रुके हुए हैं सभी सदस्यों ने आम सहमति से ये राय बनाई है कि हम लोग अपना निचले स्तर तक उन गरीब जन तक पहुंचकर सबके काम कराएंगे और काम करेंगे और जो योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना चाहिए वहां तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। आज इस गरिमामयी शपथ ग्रहण समारोह में हमारे जो जिला पंचायत के सदस्य और हमारे सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय बहनें, सभी लोग आए और सभी ने जो भरोसा दिलाया है उस भरोसे पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हम अपनी सेवा निष्ठा और ईमानदारी से करने के लिए तैयार हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारीगण भी हमारे सहयोग के लिए उनने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी विश्वास के साथ हमें भरोसा दिलाया है और हम भरोसा दिलाते हैं कि हम इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अपने ग्रामीण क्षेत्र का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब में अपनी पूरी सहभागिता निभाएंगे। ये हमारा सब। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इन दिनों यातायात सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, इसी के तहत पूरे जिले भर में यातायात के नियमों संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, वहीं वाहनों की चेकिंग भी चल रही है। सटई में भी थाना प्रभारी के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, खासतौर पर अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए और अवैध कारतूस तथा नशे की सामग्री कहीं तस्करी न हो रही हो, इस चीज़ को लेकर खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ दोपहिया वाहन चालकों में जो हेलमेट लगाकर वाहन नहीं चला रहे हैं उनको भी समझाइश देकर छोड़ा गया। इस मौके पर पुलिस स्टाफ मुस्तैदी से काम करता रहा। आज वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष आदेश प्राप्त हुए थे, इस कारण से शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक विशेष चेकिंग रहेगी और ये प्रतिदिन की ही कार्रवाई में शुमार किया जाएगा इसको। इससे अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए विशेष महत्व रहेगा, इस कारण से विशेष रूप से ध्यान देकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर लगाया। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए अब आपको खबर दिखाते हैं वक्सवाहा की। यहां वक्सवाहा में सागर कमिश्नर मनोहर दुबे अपने परिवार के साथ एक प्राइवेट सेक्टर पर दौरे पर वक्सवाहा पहुंचे, जहां पर वक्सवाहा के प्राचीन मंदिरों के दिशा देख करके दिशा निर्देश दिए कि आगे हो सकता है पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के माध्यम से तमाम प्रकार की चर्चाएं भी की, जिसके बाद रेस्ट हाउस पहुंचकर अधिकारियों से एक बैठक भी ली, जिसमें बैठक में किसानों द्वारा दिए गए तमाम प्रकार के ज्ञापन पे जांच करवाने के लिए दिशा निर्देश भी कमिश्नर मनोहर दुबे द्वारा दिए गए। बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास में अनियमितताएं जो पाई जा रही हैं उसमें हितग्राहियों के तमाम प्रकार के आवेदन आ रहे हैं और उन पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बैठक में SDM मनोज मालवीय, तहसीलदार झाम सिंह, थाना प्रभारी रामनाथ तिवारी, CEO राजनाथ सिंह के साथ अन्य कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उसके तुरंत बाद ही स्थानीय विभिन्न मंदिरों के दर्शनों के बाद वह प्रसिद्ध मंदिर पडरिया धाम में पडरिया मंदिर पहुंचे, जहां विशेषता के बारे में पडरिया धाम के पुजारियों से चर्चाएं भी की। वहीं गौशाला का निरीक्षण के साथ ही गौशाला को बड़ा रूप देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर द्वारा क्षेत्र के लोगों से मंदिर की विशेषताओं की जानकारी लेकर इसका उद्देश्य क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए बातें की गई। वहीं सागर कमिश्नर मनोहर दुबे ने बताया कि छतरपुर जिले में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ कर्ज माफी के लिए प्रकरण बड़ी मात्रा में मिले हैं और इनकी जांच के लिए अनुविभागीय स्तर पर समितियां भी तैयार की गई हैं, जो कि त्रुटि करने वाले अधिकारी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आज मैं ऐसे में अपने व्यक्तिगत दौरे पर था, पर्सनल यात्रा पे, मैं मंदिर देखना चाह रहा था और ये समझना चाह रहा था कि ये जो इस क्षेत्र में मंदिर है क्या इनका उपयोग यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने में किया जा सकता है। जो फर्जी ऋण वाले एक प्रकरण है, सारे पूरे छतरपुर जिले में बहुत संख्या में मिले हैं, उन सबकी जांच चल रही है, अनुभागीय स्तर पर समितियां बनाई गई हैं और जहां पर भी इस तरीके की स्थिति जांच के बाद पाई जाएगी सभी त्रुटि करने वाले अधिकारियों को, उस समय के जो समिति के लोग हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी प्रशासनिक तौर पर और दांडिक रूप से, मतलब उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज की जाएंगी जाँच के बाद।
नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। छतरपुर के महाराजा कॉलेज में छात्र छात्राओं को एचआईवी एड्स से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जिला एड्स नियंत्रण समिति ने छतरपुर के महाराजा कॉलेज में रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया और इस मौके पर छात्र छात्राओं की विभिन्न जिज्ञासाओं को शांत भी किया। इस मौके पर युवा वर्ग को बताया गया कि कैसे एड्स जानलेवा बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पर लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं के रक्त का परीक्षण किया गया। इस मौके पर खास तौर पर एड्स से जुड़े विषय पर कई सवाल छात्र छात्राओं ने पूछे, जिनके जवाब भी दिए गए। कार्यक्रम के आयोजन में राष्ट्रीय सेवा योजना ने भी सहयोग किया। रेड रिवन क्लब के माध्यम से उक्त कार्यक्रम का आयोजन महाराजा कॉलेज में किया गया था। आज हमारे कॉलेज में शासकीय महाराजा महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब के अंतर्गत रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का रक्त परीक्षण किया जा रहा है। और इसके पूर्व हमारे जो जिले की एड्स नियंत्रण समिति है, उसके जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो हमारे बीच में आए थे और उन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को एचआईवी और एड्स से बचने के उपाय के विषय में जानकारी दी। और साथ ही साथ जो हमारे बच्चों के मन में बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे एचआईवी एड्स से संबंधित, उसके भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, उनका भी समाधान किया। ये जो रक्त परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक की जो टीम है उसके सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अभी जैसा भी कि आप देख रहे हैं कि अभी ये चल रहा है परीक्षण का कार्यक्रम, और लगभग 300-350 बच्चों का रक्त परीक्षण का हम लोगों ने टारगेट रखा है कि इतने बच्चों का हम लोग रक्त परीक्षण कराएं। और भविष्य में हम जो हमारे जो एक लिस्ट तैयार करेंगे और हमारे जो महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उनको रक्त दान के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मुस्लिम समुदाय के कई ऐसे संगठन हैं जो इन दिनों सामाजिक कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इन्हीं में से एक संगठन है दावते इस्लामी। ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भारत भर में 1,20,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। दावते इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कुछ लोग छतरपुर पहुंचे और छतरपुर के SP ऑफिस में पौधारोपण का ये काम किया। खासतौर पर इस्लाम धर्म में बताई गई शिक्षाओं के आधार पर पौधारोपण के अलावा नशे से दूर रहने और कई गलत आदतों को छोड़ने के लिए ये संगठन लोगों को प्रेरित कर रहा है। इस वक्त दावत इस्लामी ने एक बहुत अच्छा काम जारी रखा हुआ है और वो है प्लांटेशन मुहिम, यानी शजरकारी, वृक्षारोपण। यानी आप ये समझें कि इस वक्त दावत इस्लामी ने पूरे इंडिया में 1,20,00,000 पौधे लगाने का टारगेट बनाया है, हदफ लिया है। और अब तक हम इंदौर, देवास, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंडिया के बहुत सारे शहरों में, नासिक में जो है वो प्लांटेशन कर चुके हैं। जितने ज़्यादा ये प्लांटेशन होगा, दरख्त लगेंगे, उतनी ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा। और वैसे भी बड़ी प्यारी बात किसी ने कही है, मैं भी कह देता हूँ कि हमारे अपने वतन अजीज़ हिंदुस्तान को हरा भरा भारत बनाना है, दरख्त लगाएंगे, पॉल्यूशन भगाएंगे। इसमें आप भी हमारा साथ दें, दावत इस्लामी का साथ दें। आज हमने छतरपुर के अंदर SP साहब के ऑफिस पर शजरकारी की है, दरख्त पौधे लगाए हैं और इसके बाद हमारे मजीद टारगेट्स हैं और भी कई जगहों पर हमको ये करना है। आप इसमें हमारा साथ ज़रूर दें। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर पढ़ने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं को यात्री बसों में लग रहे किरायों को बंद कराने की मांग उठाई गई है। छतरपुर के छात्रों ने एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है, जिसके माध्यम से मांग की गई है कि छतरपुर के स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए आने वाले छात्र छात्राओं से यात्री बसें किराया ना लें। अगर एक सप्ताह के भीतर इनके किराए को बंद नहीं किया गया तो RTO दफ्तर में ताला लगा दिया जाएगा। इन छात्र छात्राओं का कहना था कि जिन छात्रों को छतरपुर
पढ़ने के लिए आना पड़ता है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र होते हैं। इनके पास आमतौर पर रोजाना आने के लिए किराया नहीं होता है। ऐसे में यात्री बसों के जो संचालक हैं वो इन छात्र छात्राओं के परिचय पत्र के आधार पर इन्हें किराए में छूट प्रदान करें। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। SDM कमलेश पुरी को ये ज्ञापन इन छात्रों ने सौंपा है और साफ चेतावनी दी है कि 7 दिन के भीतर किराए को बंद किया जाए। मतलब जो गांव दराज से दूर दूर से गरीब बच्चे छात्र अपना किराया लगा के बस से आते हैं उन बच्चों की किराया माफी के लिए साहब ने कहा है आज बैठक है मतलब उसमें आश्वासन दिया कि बात रखेंगे। अगर नहीं ऐसा होता है तो नहीं होता है तो एक हफ्ते के अंदर हम लोग ताला डालने का काम करेंगे RTO में। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन छतरपुर में बस स्टैंड पर किया गया। किसी भी यात्री वाहन का ड्राइवर एक मामूली शख्स नहीं होता है, उसके हाथ में लगभग 50-60 जिंदगियां होती हैं। ऐसे में ड्राइवर का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, उसकी आंखों का ठीक रहना बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोटरी क्लब और बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत छतरपुर के बस स्टैंड पर एक निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया और खास तौर पर ड्राइवर्स के आंखों की जांच कराई गई। कुछ ड्राइवर जिनकी आंखों की रोशनी कम पाई गई उन्हें निशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। आज यह सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम लोगों ने रोटरी क्लब और बस यूनियन के सहयोग से यहाँ ड्राइवरों बस स्टाफ के लिए निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया हुआ है, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसी पोस्ट होती है कि जिसके अंतर्गत 40 से 50 सवारियां लेकर चलता है, उसकी आँखों का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया है सड़क सुरक्षा सप्ताह के द्वारा। सूबेदार साहब के सहयोग से सभी ने मिलकर ये निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया हुआ है। अभी करीब 150 लोगों की OPD हो चुकी है, सभी लोगों को चश्मे भी वितरित किए जा रहे हैं। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सभी ड्राइवर जितने भी हैं बसों के, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे बस ड्राइवर हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, सभी का आज नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे बस ऑपरेटरों के द्वारा जो यूनियन के अध्यक्ष हैं सभी के सहयोग से सभी ड्राइवर्सों का आज नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। इनको का चश्मा भी बांटा जा रहा डॉक्टर के द्वारा। आज नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए छतरपुर जिले वासियों को भोपाल तक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, उनके पैसे और समय भी बचेंगे। 10 तारीख को पासपोर्ट सेवा का शुभारंभ छतरपुर में पोस्ट ऑफिस में होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन 10 तारीख को किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। वहीं प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर, छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और पोस्ट मास्टर जनरल जबलपुर परिक्षेत्र डॉक्टर विद्यासागर रेड्डी पी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। छतरपुर में पासपोर्ट सेवा खुल जाने की वजह से लोगों को अब भागना नहीं पड़ेगा और पासपोर्ट बनवाने के लिए अब और भी सुविधाएं हैं। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की मांग भी अब नहीं की जा रही है, जैसे कि पहले काफ़ी डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते थे तब कहीं जाकर पासपोर्ट बन पाता था, अब दस्तावेज़ों में भी कमी की गई है। हमारे डाकघर छतरपुर में पासपोर्ट ऑफिस का शुभारम्भ हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी छतरपुर के लिए उपलब्धि है। हमारे डाक संभाग छतरपुर में 2 जगह, सवेरे 11 बजे टीकमगढ़ में और शाम को 4 बजे छतरपुर में माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये हमारे विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के दोनों की समस्त योजनाएँ हैं, दोनों मिलकर के बहुत अच्छी अनूठी पहल है। इसके द्वारा हमारे यहाँ पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, इससे बहुत सुविधा होगी, खासकर हमारे छतरपुर के नागरिक के लिए कि जिनको भोपाल जाना पड़ता था या बाहर जाना पड़ता था पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो यहीं से बनवा पाएंगे, उन्हें लंबे समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। लगभग 8 से 10 दिन 15 दिन में पासपोर्ट उनको मिल जाएगा। पहले किसी को जल्दी में विदेश जाना हो तो तत्काल का प्रावधान था, तत्काल में भी टाइम लगता था और एक्स्ट्रा पैसा देने पड़ते थे, लेकिन हमारे यहाँ समान रूप से भी अतिशीघ्र पासपोर्ट उनको उपलब्ध कराई जाएगी। और सबसे बड़ी ये है कि छतरपुर में होने के
होने से पहले लोग भोपाल जाते थे, तो उनको हो सकता है उस दिन सर्वर ना चले या किसी कारणवश उस दिन ना हो पाए तो उनको वहाँ इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अपने शहर में होने से ये सारी सुविधाएँ बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और मैं सारे शहरवासियों से अपील करता हूँ कि जल्दी से अपना पासपोर्ट हमारे कार्यालय में आकर बनवाएं। कार्यक्रम में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी लोकसभा सांसद, और प्रभारी मंत्री माननीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी, और यहाँ लोकल विधायक माननीय आलोक चतुर्वेदी जी, हमारे शहर के पहले नागरिक और नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह जी, यहाँ के जिला भाजपा अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, और सभी लोग उपस्थित रहेंगे। यहाँ हम लोगों ने सभी कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को भी कार्ड दिया है। पासपोर्ट में अभी जैसे अभी सागर और भोपाल अपन को जाना पड़ता था, जो बच्चे बाहर जाना जाते हैं या यहाँ के मजदूर लोग भी बाहर जाते हैं अपने छतरपुर ज़िले के, इनको पासपोर्ट बनवाने के लिए पहले सागर जाना पड़ता था, फिर वेरिफिकेशन करा के फिर आता था, फिर दोबारा यहाँ आ पाए, इसके पहले भोपाल जाना पड़ता था। अब उनको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ के मजदूर या हमारे बच्चे, यहाँ के युवा हमें विदेश जाना चाहते हैं, वो छतरपुर में ही अपने इसी कार्यालय में जा करके पोस्ट ऑफिस वाले में अपना आवेदन कर सकेंगे। वो यहीं से वेरिफिकेशन होकर उनको बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर वो पासपोर्ट उन्हें मिल जाया करेगा। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।